हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए, ठीक है। हमको बताना है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। तो दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है, ठीक है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी का सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली, और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्फल है, ठीक है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है क्या है? मान सम्मान। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सम्मान। चलिए आगे देखते हैं। आगे अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 2 से 5 तक नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं हम। तो प्रश्न है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था, ठीक है। प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है, प्राचीन काल में नारी दासी थी। ऑप्शन बी है, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। और ऑप्शन सी है, नारी को अपमानित किया जाता था। और ऑप्शन डी है, नारी का कोई स्थान नहीं था। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था, ठीक है। क्या है यहाँ पे? अग्रगण्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है, ठीक है। हमको इसकी व्याख्या बताना है कि नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। तो ऑप्शन ए है, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ऑप्शन बी है, नारी को कोई अधिकार नहीं। ऑप्शन सी है, नारी गुलाम थी। और ऑप्शन डी है, नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि कौन सा क्या है, नारी तू नारायणी का सही व्याख्या है। तो यहाँ पे है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता था कि नारी की जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत काल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक अपना कब्जा जमाया है, ठीक है, कब्जा जमाया है। नारी तो नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो क्या है कि नारी तो नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया, यानी नारी तो नारायणी, इसका अर्थ क्या होगा कि नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो ऑप्शन ए भारत मेरा देश। ऑप्शन बी है, नारी तो नारायणी। ऑप्शन सी है, भारत और गरीबी। और ऑप्शन डी है, मेरे सपनों का भारत। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि नारी तो नारायणी, यानी नारी कोई इसमें बताया गया है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नारी तो नारायणी क्या है इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि देश का उद्धार कैसे होगा। तो चलिए ऑप्शन ए है, नारी अशिक्षित रहेगी तो। ऑप्शन बी है, युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन करने से। ऑप्शन सी है, नारी को समान स्थान देने से। और ऑप्शन डी है, किसानों के कर्ज माफ करने से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम।
तो वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। तो इसमें क्या है कि देश का उद्धार कैसे होगा, तो ये है कि इसमें नारी को समान स्थान देना हो देने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हम। अगला है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। ठीक, यदि कोई पत्र संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी है व्यक्तिक पत्र, ऑप्शन सी है कार्यालय आदेश और ऑप्शन डी अधिसूचना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा परिपत्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूची है। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूची है। तो ऑप्शन ए मंत्रालय, ऑप्शन बी है संबद्ध विभाग प्रभाग, ऑप्शन सी है अनुभव और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो कार्यालय आदेश। ठीक है, किसके हैं, तो ये है इसमें सभी विकल्प सही होगा। ये मंत्रालय, संबद्ध विभाग प्रभाग और अनुभव। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है तो ऑप्शन ए सरकारी गजट में, ऑप्शन बी है सरकारी पत्रिका में, ऑप्शन सी है किसी भी पत्रिका में और ऑप्शन डी है सामान्य पत्र के रूप में। तो अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अधिसूचना क्या है, सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन संक्षेपण का भेद है। ठीक है, हमको बताना है कि संक्षेपण का भेद कौन है। तो ऑप्शन ए स्वतंत्र विषय का संक्षेपण, ऑप्शन बी है प्रवाही प्रवाह या प्रवाहमान संक्षेपण, ऑप्शन सी है तालिका संक्षेपण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो संक्षेपण का भेद ये स्वतंत्र विषय का संक्षेपण ये भी है, प्रवाही प्रवाह या प्रवाहमान संक्षेपण ये भी है और तालिका संक्षेपण ये भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 55। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हिंदी भाषा में वर्णमाला कितने होते हैं, 52 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, हिंदी में कौन सा व्यंजन काकल्य कहा जाता है। ठीक है, काकल्य व्यंजन कौन सा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ए प, ऑप्शन सी ए ह और ऑप्शन डी ए ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी ह होगा। और क्या है, काकल्य व्यंजन है। चलिए अगला देखते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी है समरूप, ऑप्शन सी है रूप और ऑप्शन डी है शब्द। तो मात्रा स्वर को हम क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को हम समरूप या उसे हम प्रेमिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग और ऑप्शन डी है उभयलिंग। तो दही क्या है लिंग की दृष्टि से, तो ये है पुलिंग, दही पुलिंग है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में पुलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें पुलिंग शब्द कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है रत्न, ऑप्शन बी है मोती, ऑप्शन सी है नकल और ऑप्शन डी है बचपन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा क्या है, पुलिंग कौन नहीं है, नकल पुलिंग नहीं है। ठीक है, नकल पुलिंग शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए है दाती, ऑप्शन बी है दात्री और ऑप्शन सी है दात्री
और ऑप्शन डी है धात्री। तो कौन ऑप्शन सही होगा इसमें? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये होगा धात्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है तपस्विनी, ऑप्शन बी है तपसी, ऑप्शन सी है तापसी और ऑप्शन डी है तपस्या। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये होगा तपस्विनी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, उच्चारण का संधि विच्छेद हम बताना है। तो ऑप्शन ए उच्च प्लस आरण, ऑप्शन बी है उत प्लस चरण और ऑप्शन सी है उत प्लस चारण और ऑप्शन डी है उच्च प्लस चारण। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में संधि है, ए तंत मुरारी में हमको संधि बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है आयादि संधि। तो कौन सी संधि है इसमें? तो यह है व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। निह प्लस पाप में कौन सी संधि है? निह प्लस पाप में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी है याड, ऑप्शन सी है विसर्ग और ऑप्शन डी है आयादि। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? नहीं, प्लस पाप में कौन सी संधि है? तो यह है हमारा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन स्वर संधि का भेद नहीं है। तो ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है यण संधि और ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो स्वर संधि का कौन भेद नहीं है? तो यह है विसर्ग संधि। क्या है? स्वर संधि का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेल कीजिए और नीचे दिए विकल्प में से उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची एक में है कि विदेश गमन। ठीक है, इसका हमको बताना है, समास बताना है कि समास हमको इसका सुमेल करना है। तो विदेश गमन में कौन सा समास होगा? तो ये होगा आप तत्पुरुष समास, विदेश गमन तत्पुरुष समास। गिरधर में क्या होगा? तो गिरधर, गिरधर इसमें बहुव्रीहि समास होगा। देश विदेश में क्या होगा? तो ये होगा द्वंद्व समास। और यथाशीघ्र में अव्ययी भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विदेश गमन यानी एक है दूसरा, ए का दूसरा सी वाले में है, फिर गिरधर बी का पहला, बी का पहला। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देश विदेश का चौथा है यानी द्वंद्व समास, तो यहाँ पे चौथा भी है। यथाशीघ्र का अव्ययी भाव, तो ये तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में समास बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी एक कर्मधार है और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? तो धीरे धीरे में होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा? तो ये होगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है संन्यास शब्द में कौन उपसर्ग है? ठीक है, हमको संन्यास में उपसर्ग बताना है कि क्या उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी है सम, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है यास। तो संन्यास में कौन सा उपसर्ग होगा? तो संन्यास में सम उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर्गुण में हमको उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी है नी, ऑप्शन सी है निर और ऑप्शन डी है निर्गु। तो निर्गुण में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें होगा निर उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है खिलौना शब्द में खिलौना शब्द में मूल शब्द है। ठीक है, खिलौना शब्द में हमको मूल शब्द बताना है कि कौन मूल शब्द है। तो ऑप्शन ए खिल, ऑप्शन बी ए खेल, ऑप्शन सी ए अना और ऑप्शन डी ए ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो खिलौना में क्या है? खेल मूल शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में हमको प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन ए कृदंत, ऑप्शन बी ए तदधित, ऑप्शन सी ए स्त्री और ऑप्शन डी ए प्रत्यय नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो पांडव शब्द में क्या है, तदधित प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तत्सम बताना है कि कौन इसमें तत्सम है। तो ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी है तपसी, ऑप्शन सी है निब और ऑप्शन डी है दाक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें तत्सम शब्द है निब, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्द में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तत्सम हमको बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है कुसुम, ऑप्शन बी है भूषिका, ऑप्शन सी है वंश और ऑप्शन डी है ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ने। क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है गमला और अल्पीन किस भाषा के शब्द हैं। गमला और अल्पीन किस भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली और ऑप्शन डी है जापानी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, गमला और अल्पीन किस भाषा शब्द के हैं, तो ये है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सहसो शब्द से बना संज्ञा शब्द है। सहसो शब्द से बना संज्ञा शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन ये पदार्थवाचक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सहसो शब्द से क्या है, भाववाचक संज्ञा बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है संज्ञा का भेद नहीं है होता है। संज्ञा का भेद कौन नहीं है इसमें हमको बताना है। तो ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक और ऑप्शन डी है भाववाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो संज्ञा का भेद क्या है, निजवाचक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए किन्हीं को, ऑप्शन बी है किन्हीं की, ऑप्शन सी है किन्हीं से और ऑप्शन डी है किन्हीं का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन होगा हमारा, तो ये होगा किन्हीं से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है योग्य व्यक्ति की, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है वाक्य में योग्य शब्द क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें जो योग्य प्रयोग हुआ है वह क्या है। तो ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण और ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो योग्य क्या है इसमें, तो योग्य है ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा शब्द में विशेषण है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गणनावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है समुदायवाचक और ऑप्शन डी है क्रमवाचक विशेषण। तो सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा होगा, तो ये होगा गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो ऑप्शन ए क्षण भर, ऑप्शन बी है निसंदेह, ऑप्शन सी है अन्यत्र और ऑप्शन डी है अत्यंत, ऑप्शन डी है अत्यंत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन है, तो ये होगा हमारा अत्यंत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्द में से एक विशेषण नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी है सर्व, ऑप्शन सी है गर्व और ऑप्शन डी है भव्य। तो इसमें विशेषण कौन नहीं है, तो ये है गर्व क्या है, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रात भर
जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, यहाँ पे भर लिखा है, भर के नीचे रेखांकित है, तो हमको बताना है कि ये क्या है। तो ऑप्शन ए संबंध सूचक अव्यय, ऑप्शन बी अभिशेषण, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो भर का प्रयोग यहाँ पे किस रूप में हुआ है, तो ये होगा हमारा संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी कल, ऑप्शन सी इधर और ऑप्शन डी किसे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें अव्यय कौन नहीं है वो बताना है। तो ये होगा किसे, क्या है ये अव्यय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो ऑप्शन ए सर्वदा, ऑप्शन बी है सर्वत्र, ऑप्शन सी है इतना और ऑप्शन डी है गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बताना है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इतना क्या है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन निपात का भेद है। ठीक है, हमको बताना है कि निपात का भेद इसमें से कौन है। तो ऑप्शन ए तुलना बोधक, ऑप्शन बी है आदर बोधक, ऑप्शन सी है प्रश्न बोधक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो निपात का भेद तुलना बोधक भी होता है, आदर बोधक भी होता है और प्रश्न बोधक भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है। ठीक है, घर का पर्यायवाची बता रहा है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है इला, ऑप्शन सी है आश्रम और ऑप्शन डी है गे। तो घर का पर्यायवाची क्या होगा, तो घर का पर्यायवाची होगा गे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है दुर्गा का पर्याय बताइए। ठीक है, दुर्गा का पर्याय बताना है। तो ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी है श्री, ऑप्शन सी है धात्री और ऑप्शन डी है ज्योत्सना। तो दुर्गा का पर्याय क्या होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी धात्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है अपसरण का विलोम बताइए। अपसरण का विलोम बताना है। तो अब ऑप्शन ए अभिसरण, ऑप्शन बी है अवसरण, ऑप्शन सी है सरण और ऑप्शन डी है उपसरण। तो अपसरण का विलोम क्या होगा, तो ये होगा अभिसरण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है रथी का विलोम है। रथी का विलोम है, तो ऑप्शन ए है सारथी, ऑप्शन बी है अर्थी, ऑप्शन सी है वीरथी और ऑप्शन डी है महारथी। तो रथी का विलोम क्या होगा, तो रथी का विलोम होगा वीरथी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है प्रकार, प्रकार प्रकार शब्द युग्म का सही अर्थ है। प्रकार प्रकार शब्द युग्म का सही अर्थ बता रहा है। तो ऑप्शन है चार दीवारी किस्म, ऑप्शन बी है ढंग तरीका, ऑप्शन सी है घेरा अर्थ और ऑप्शन डी है रोकना चलना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें होगा प्रकार, प्रकार का प्राकार का अर्थ है चार दीवारी और प्रकार का अर्थ है किस्म, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अन्य, अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ है। अन्य, अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है अनाज, दूर, देश। ठीक है, अनाज, दूर, देश। ऑप्शन बी है भोजन, दूसरा। ऑप्शन सी है अनाज, दूसरा और ऑप्शन डी है खर्चा, पूरा। तो अन्न और अन्य शब्द का सही युग्म अर्थ क्या होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनाज और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, हाड़ौती बोली कहाँ की बोली जाती है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये राजस्थान में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, हमको शुद्ध शब्द बताना है कि इसमें कौन शुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो परिणित कैसे लिखा जाता है, परिणित ऐसे लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि
उसने उसी समय ले ली रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है। ठीक है, हमको बताना है कि श्रुति लिपि का शुद्ध रूप लिखना है कि कैसे वो शुद्ध लिखा जाता है। तो श्रुति लिपि कैसे शुद्ध लिखा जाता है, तो ये श्रुत लिपि। ठीक है, इसमें त पे छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।